हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो होगी। अभी तक जितने भी स्थानों के जो नाम वगैरह बदले गए हैं वो सारे के सारे आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक से दो क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको देखने को मिल ही जाएंगे, एकदम अपडेटेड है। साथ ही साथ जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। अगर ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप हमसे चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिससे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। ओके, और वीडियोस की पीडीएफ्स के लिए एंड अदर अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, फैजाबाद का जो नाम है वो बदल करके क्या रख दिया गया है? सो गाइस, फैजाबाद का नाम बदल करके रख दिया गया है अयोध्या। ठीक है, मैं आपको बताऊँ, अयोध्या के पास ही में एक सिटी हुआ करती थी, अच्छी सिटी थी, जिसका नाम था, मतलब अच्छी कहने का सेंस है, काफ़ी बड़ी, काफ़ी डेवलप थी, एयरपोर्ट वगैरह भी था यहाँ पर। तो इसको क्या किया गया, इसका नाम चेंज किया गया अयोध्या, और इसका यानी कि अयोध्या में मर्जर हो गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है बनारस जंक्शन। ठीक है, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसका नाम रखा गया था, इसका नाम रख दिया गया है नरेंद्र मोदी जी के नाम पर। गोरखपुर एयरपोर्ट का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? तो गोरखपुर एयरपोर्ट का नाम बदल करके रख दिया गया है महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट। एयरलाइन कंपनी एयरगो का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? तो इसका नाम रखा गया है गो फर्स्ट। ठीक है, गो फर्स्ट की स्थापना 2005 में हुई है, हेडक्वार्टर्स का मुंबई में है, और नुसली वादिया जो है इसके चेयरमैन है। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नया नाम बदल करके रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदल करके भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया गया है। ठीक है, इसकी स्थापना 1872 में हुई थी। ओके गाइस, और अब हमारे जो रेलवे मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी हुआ करते थे, अब कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं अश्विनी वैष्णव। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? नाना शंकर सेठ रेलवे स्टेशन। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदल करके नर्मदापुरम रख दिया गया है। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदल करके किसके नाम पर रख दिया गया है? छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आईपीएल टीम किंग्स इलेवन पंजाब का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? तो ये पंजाब किंग्स हो गया है। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं, आईपीएल जो है बेसिकली बीसीसीआई के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है ना, रेगुलेट किए जाते हैं। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर सौरभ गांगुली इसके चेयरपर्सन है। ओके, और आईपीएल की शुरुआत जो थी फर्स्ट एडिशन 2008 में खेला गया था। किस राज्य के चिड़ियाघर का नाम स्वतंत्रता सेनानी अशफाक उल्ला खान के नाम पर रखा गया है? सो ये रखा गया है गाइस उत्तर प्रदेश में। व्हीलर द्वीप का नाम बदल करके एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। और व्हीलर द्वीप कहाँ पर है? तो उड़ीसा में, यहाँ हम देखेंगे भुवनेश्वर के आसपास जो है व्हीलर द्वीप स्थित है। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान का नाम बदल करके किसके नाम पर रख दिया गया है? अरुण जेटली जी के नाम पर इसे रख दिया गया है। रोहतांग सुरंग का नाम रखा गया है अटल सुरंग। इकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदल करके अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है, और ये कहाँ पर है? तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में। भारतीय प्रवासी भारतीय केंद्र का नया नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है सुषमा स्वराज भवन। हैवलॉक द्वीप का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? तो ये हो गया है स्वराज द्वीप। ठीक है, ये देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगर हम देखें तो ये अंडमान जो द्वीप समूह है उन्हीं में है यहाँ पर हैवलॉक द्वीप, जिसका नाम बदल करके स्वराज द्वीप कर दिया गया है। अयोध्या बस स्टॉप का नाम हो गया है अयोध्या धाम। मानव संसाधन विकास मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अलाहाबाद जंक्शन का नया नाम हो गया है प्रयागराज जंक्शन। झांसी रेलवे स्टेशन का जो नया नाम है वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। अलीगढ़ का नया नाम हुआ है हरिगढ़। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके किसके नाम पर रख दिया गया है? अटल जंक्शन जो है यहाँ पर नाम रख दिया गया है। प्रयागघाट स्टेशन का नाम बदल कर हो गया है प्रयागराज संगम। अहमदाबाद का नाम बदल करके कर दिया गया है कर्णावती, हालांकि ये कॉन्ट्रोवर्सियल क्वेश्चन है, अभी ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदल करके संभाजी नगर कर दिया गया है। मुंबई नागपुर सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेस वे का नाम बदल करके बाल साहब ठाकरे जो है इनके नाम पर रख दिया गया है। किस शहर के गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदल करके
जो है बाल ठाकरे जी के नाम पर रखा गया है, तो महाराष्ट्र में ही होगा डेफिनेटली, तो नागपुर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी का नाम बदल करके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय कर दिया गया है। प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदल करके सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन हो गया, कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। कोलकाता पोर्ट का नाम बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है। जबकि हम बात करेंगे आईपीएल टीम दिल्ली डेयरडेविल्स का नाम दिल्ली कैपिटल्स कर दिया गया है। वहीं झारसुगुड़ा हवाई अड्डे का नाम वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा कर दिया गया है, और ये कहाँ पर है, उड़ीसा में। नीलद्वीप का नाम बदल करके क्या का रखा गया है, ये रखा गया है शहीद द्वीप। वहीं जो हैवलॉक द्वीप था उसका नाम स्वराज द्वीप रखा गया है, ठीक है। नए रायपुर का नाम है अटल नगर। इसके अलावा दिल्ली के औरंगजेब रोड का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है, तो दिल्ली के औरंगजेब रोड का नाम बदल करके रख दिया गया है गाइस कलाम रोड। रॉस द्वीप का नाम क्या हो गया है, रॉस द्वीप का नाम रखा गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, ठीक है, रॉस बोस, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं है, शिमला का नाम शामला, ठीक है, ये आपको स्पीडी में मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदल करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा कर दिया गया है। वहीं हजरतगंज चौराहा जो कि लखनऊ में, इसका नाम रखा गया है अटल चौक। कर्नाटक सरकार ने हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल के श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी कर दिया है। और वहीं हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, कल्याण कर्नाटक क्षेत्र। इसके अलावा हम बात करेंगे कर्नाटक सरकार ने हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम महादेवप्पा मैलारा रख दिया है। फैजाबाद बस स्टॉप का जो नाम है गाइस वो हो गया है अयोध्या बस स्टॉप। फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी लिब्रा का नाम हो गया है डाइम। फेसबुक की स्थापना 2004 में मार्क जुकरबर्ग के द्वारा की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो कैलिफोर्निया में है। चेनानी नाशिरी सुरंग का नाम बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल रख दिया गया है। ट्रेन 18 का नाम बदल करके वंदे भारत एक्सप्रेस रख दिया गया है। वहीं स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदल करके सुंदर भारत, ये स्पीडी में देखने को मिल जाएगा। इसकी भी मुझे बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं मिली है, ठीक है, सो इट इज़ अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रोवर्सियल क्वेश्चन। और स्वच्छ भारत मिशन हमारे नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस में राजघाट से इसकी शुरुआत की थी। किस मेट्रो का नाम राजा भोज के नाम पर रखा है, हालांकि ये अभी तक शुरू नहीं हुई है लेकिन घोषणा कर दी गई है, भोपाल मेट्रो स्टेशन। साबरमती घाट का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है गाइस, साबरमती घाट का नाम बदल करके रखा गया है अटल घाट। जबकि ड्रैगन फ्रूट, अच्छा एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल करके कमलम फ्रूट किसने रखा है, ये रखा है गुजरात में। अलाहाबाद का नाम प्रयागराज। किस शहर के सिटी चौक का नाम बदल करके भारत माता चौक कर दिया गया है, सो ये है गाइस जम्मू का। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग का नाम बदल करके DIPP का नाम बदल करके क्या हो गया है, DPIIT। किस शहर के सर्कुलर रोड चौक का नाम बदल करके अटल जी चौक कर दिया है, ये भी जम्मू का ही है। फेयरनेस क्रीम फेयर एंड लवली का नाम बदल करके हो गया है ग्लो एंड लवली। आगरा एयरपोर्ट का नाम बदल करके क्या हो गया है गाइस, आगरा एयरपोर्ट का नाम दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट। दिल्ली के बाबर रोड का नाम बदल करके 5 अगस्त मार्ग। कांडला बंदरगाह का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है, तो ये रख दिया गया है दीनदयाल बंदरगाह, गुजरात में है। वोगीबिल पुल का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है, तो ये रख दिया गया है अटल सेतु। चेन्नई रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके पुराची तलेवर डॉक्टर MG रामचंद्रन सेंट्रल जो है रख दिया गया है। अम्बाला बस स्टैंड का नाम बदल करके क्या हो गया है, तो ये हो गया है सुषमा स्वराज बस स्टैंड। सारी सांस बस्ती शहर का नाम बदल करके क्या हो गया है, वशिष्ठ नगर। विदेश सेवा संस्थान का नाम बदल करके सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान कर दिया गया है। कानपुर के चाकेरी एयरपोर्ट का नाम बदल करके नाना गणेश शंकर विद्यार्थी एयरपोर्ट कर दिया गया है। फिरोजशाह कोटला स्टेडियम का नाम अरुण जेटली स्टेडियम हो गया है। सुल्तानपुर शहर का नया नाम क्या हो गया है, तो इस कुश भवनपुर। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का जो नया नाम है वो क्या है, इट इज अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन। बरेली एयरपोर्ट का जो नया नाम है वो क्या है, नाथनगरी एयरपोर्ट। कांग्रेस ने जो है गुरु गोलवालकर योजना का नाम बदल करके महात्मा गांधी जी के नाम पर रखने की घोषणा की है। अगरतला एयरपोर्ट का जो नाम है दैट इज महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट कर दिया गया है। नौगढ़ का जो नया नाम है वो रखा गया है क्या,
ये रखा गया है सिद्धार्थ नगर। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नाम हो गया है अटल पथ। औरंगाबाद का नया नाम हो गया है संभाजी नगर। मध्य प्रदेश व्यवसायिक परीक्षा मंडल व्यापम का जो नया नाम है इट इज राज्य कर्मचारी चयन आयोग। ओके, मध्य प्रदेश प्रोफेशनल बोर्ड एग्जामिनेशन जो है ये हुआ करता था। और मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग जहाजानी मंत्रालय का जो नाम है इट इज नाउ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। छत्तीसगढ़ के नए रायपुर स्टेशन का नाम क्या रखा गया है? अटल नगर रखा गया है। रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? ये रख दिया गया है मनोहर पर्रिकर जी के नाम पर। IDS इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस का जो नाम है ये भी मनोहर पर्रिकर जी के नाम पर ही हो गया है, जबकि इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। ठीक है, न्यू दिल्ली में है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 703A का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? गुरु नानक देव जी के नाम पर रख दिया गया है। हरियाणा के मेवात शहर का नाम रखा गया है नू। NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट का नाम बदल करके अरुण जेटली जी के नाम पर रख दिया गया है। गुड़गांव का नया नाम है गुरुग्राम। वहीं घाघरा नदी का जो नया नाम है इट इज सरयू। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी का नया नाम है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इसकी स्थापना 2017 में हुई है, रांची इंडिया में है। मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या हो गया है? इट इज नाउ पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन। एंड द लास्ट क्वेश्चन, पठानकोट के चक्की बैंक रेलवे स्टेशन का नाम क्या हो गया है? इट इज पठानकोट कैंट। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। टेनिस के फेडअप कप का नाम बिली जीन किंग कप रखा गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। पुणे स्थित सेना खेल संस्थान स्टेडियम का नाम नीरज चोपड़ा स्टेडियम रखा गया है। इसके अलावा और भी कुछ अगर इम्पोर्टेंट है तो हम एक बार उनको देख लेते हैं। ठीक है, ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं। भारत की संसद ने 2 TV चैनल लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मर्ज करके एक नाम दिया है, वो है संसद टीवी। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का शहर में, जो होशंगाबाद शहर का नया नाम है नर्मदापुरम है, ये बता दिया है मैंने आपको ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पर जो है काकोरी कांड का नाम काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया है। ठीक है, और इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम भी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन कर दिया है। ठीक है, ये सारे हमने डिस्कस कर लिए, सारे मैंने आपको बता दिए। ओके, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज, इलाहाबाद जंक्शन इट इज नाउ प्रयागराज जंक्शन। साथ ही साथ हम बात करेंगे RPF नाउ इट इज RPFS। सो गाइस, ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी, आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो, उसे जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, थैंक यू।